बसंत पंचमी कल है, इतना तो मैं खुद भी कभी तैयार ना हुई जितना ये तीखी मिर्च के कहने पे सरस्वती माँ को तैयार कर रही हूँ। चकोरी रानी, अरे तू इतने ज्ञान की देवी को सजा रही है, पर घर में क्या हो रहा है उस बात का ज्ञान है थारे को? अरे मैं अभी शिवा और कनक के कमरे के बाहर से निकल रहा था, अठे से बहुत आवाजें आ रही थी जोर जोर से। शिवा कनक से यो बोल रहा था कि थारे को मारी कसम है, यो बात रसाल को पता नहीं चलनी चाहिए। इसका मतलब ये बात सबसे पहले मुझे और रसाल को पता होनी चाहिए। कौन सी बात? कौन सी बात मुझे पता चलनी चाहिए? दाइमा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, वो भी इस वक्त? अरे रसाल बेटा, मूंगसा बताने आए थे कि गांव में गोंद आया है, तो गोंद के लड्डू के बारे में मुझे और रसाल भाईसा को पता होना जरूरी है। अभी गोंद के लड्डू बनाऊंगी, जच्चा और बच्चा दोनों के लिए बहुत पौष्टिक है। वैसे रसाल बेटा, तू इस वक्त यहाँ क्या कर रही है, नींद ना आ रही है? पता नहीं दाइमा, अजीब सी बेचैनी हो रही है, नींद नहीं आ रही। तेरे पैरों में तेल मालिश कर देती हूँ, पैर हल्के हो जाएंगे ना तो अच्छे से नींद आ जाएगी। चल। बाहर जाके देखो खाना वाना सब तैयार है कि नहीं, भोग तैयार हुआ कि नहीं। सारी तैयारियां हो गई, शिवा आरती शुरू करें। चल दादी सा, लड्डू कटे है, दिखना रही वो ले आ गई। लड्डू इतना सा खा के रख दिया, ले और खाना। नहीं भाई साहब, पता नहीं आजकल ना कुछ खाने का मन ही ना करता, कुछ भी अच्छा ना लगता। क्या बात है, तबीयत ठीक है ना? डॉक्टर को बुलाएं हैं? अरे बावरे, और तो को इन हालात में ऐसा सब कुछ हो गए है, कुछ भी रख दो खाने का मन ही ना करे। और कभी कभी ऐसा कुछ खाने का मन करे जैसे इमली कच्ची कैरी। दादी साहब के कहने का मतलब है प्रेगनेंसी में औरत के अंदर बहुत सारे बदलाव होते हैं ना, उस वजह से मन इधर उधर होता है, कभी चिड़चिड़ भी होती है और खाने पीने में भी ऐसा होता है। बस वही हो रहा है, कुछ ऐसी टेंशन की बात नहीं है। अब ऐसा ही हो रहा है ना, जो चीजें पहले मुझे अच्छी लगती थी अब तो उनकी महक से ही मेरा मन मर जाता है।
समझ नहीं आता क्या खाऊं, पूरा वक्त मुंह बेस्वाद सा ही रहता है। बस इतनी सी बात, तारा मन ठीक करने का ना हमारे पास एक कमाल का रास्ता है। बताई सा हटाओ, मरी लड्डो की आंखें बंद करो, जब तक मैं ना कहूँ ना खोलना मत। ले जाओ सा। चल लड्डो घबरा मत, पर आप संभल मेरे साथ आओ। अंदर ही अंदर तुम कितने दर्द में हो सिर्फ मैं जानती हूँ, फिर भी चेहरे पर मुस्कान लिए अपनी बहन की आंखों में खुशी देखने के लिए तुम इतनी कोशिश कर रहे हो। कहाँ चले गए?